सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। सामईन हजरात, आपकी खिदमत में पेश करते हैं हम वाकया एक नया, जिसका उनवान है अभागन की डोली। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर बेदम जलालाबादी के कलम से, आवाज़ गुड्डू राजा कव्वाल उनके हमनवा, म्यूजिक बाबू खान, रिकॉर्डिंग सोनोटोन, पेशकश सिसोदिया कैसेट्स की जानिब से समाप्त करें। सहरा कवाकया है ना, गुलशन कवाकया, जंगो जदल न कोई दुश्मन कवाकया। रख करे के दिल पे हाथ मेरे भाइयों सुनो, करता हूं पेश एक अभागन कवाकया। आरजू दिल की दुल्हन बनी रह गई, आरज़ू दिल की दुल्हन बनी रह गई, आरज़ू दिल की दुल्हन बनी रह गई। एक अभागन की डोली सजी रह गई, आरज़ू दिल की दुल्हन बनी रह गई। एक अभागन की डोली सजी रह गई, आरज़ू दिल की दुल्हन बनी रह गई। जनाबे सामईन हजरात, आरजू दिल की दुल्हन बनी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। पहले बंद पे समाप्त करें। गौर से अब सुनो ऐ मेरे दोस्तों, दास्ताने अलम है मेरे भाइयों। वाकया ये बड़ी ही गरीबी का है, एक इंसान की बदनसीबी का है, एक इंसान की बदनसीबी का है। शहर से दूर रहता था वो गांव में, मुफलिसी बदनसीबी की वो छाँव में। नाम फजलू था जिसका सुनो दोस्तों, यानी किस्मत का मारा था वो भाइयों, यानी किस्मत का मारा था वो भाइयों। संग में बीबी थी लेकिन वो बीमार थी, चलने फिरने से गोया वो लाचार थी।
एक बेटी थी, नाम उसका था चांदनी। बाप और माँ की थी किस कदर लाडली, बाप और माँ की थी इस कदर लाडली। माँ की खिदमत में हर वक्त रहती थी वो, गुर्बती का सितम हंस के सहती थी वो। धीरे धीरे जवां हो चली चांदनी, बाप के दिल की बढ़ने लगी बेकली, बाप के दिल की बढ़ने लगी बेकली। शहर में जाके मजदूरी करता था वो, अपने घर वालों का पेट भरता था वो। दोबार दम ख्यालों में रहता था वो, उलझनों के सवालों में रहता था वो। के बदनसीबी 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 की चादर तनी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। बदनसीबी की चादर तनी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। बदनसीबी की चादर तनी रह गई। वाकयात के दूसरे बंद में क्या हुआ समाइन हजरात समाप्त करें। बीबी और बेटी को मानता था बहुत, जान से बढ़ के वो चाहता था बहुत। एक दिन वो थका मांदा घर आया, जब देख कर हाल बीबी का घबराया तब। देख कर हाल बीबी का घबराया तब। हिचकियां ले रही थी वो अब आखिरी, अपनी आंखें खुली देखो हसरत भरी। तक रही थी वो दीवारों दर इस तरह, रक्स करने लगा सारा घर इस तरह। रक्स करने लगा सारा घर इस तरह। फिर क्या हुआ गौर करें समाइन हजरात। चांदनी रो रही थी खड़ी की खड़ी, यानी ऐसी मुसीबत कितनी वो घड़ी। पास बीबी के बैठा वो रोते हुए, अपने अश्कों से मुंह अपना धोते हुए। अपने अश्कों से मुंह अपना धोते हुए। सर को सहला के बोला जरा बोल दो, अब खुदा के लिए मुंह जरा खोल दो। छोड़ कर तुम कहाँ जा रही हो मुझे, जाने मन कितना तड़पा रही हो मुझे। जाने मन कितना तड़पा रही हो मुझे। किससे अपना कहूँगा मैं अब हाल गम, कैसे तन्हा सहूंगा मैं बारे अलम। नब्ज बीमार की फिर तो चलने लगी, और रुक रुक के बीबी ये कहने लगी के मेरी नैया मेरी नैया मेरी नैया भंवर में फंसी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। मेरी नैया भंवर में फंसी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। मेरी नैया भंवर में
हंसी रह गई। सामईन हजरात, तीसरे बंद में चांदनी की माँ फरीदा खानम अल्लाह से इल्तिजा करती है कि या मेरे अल्लाह, मैं अपनी बेटी को विदा भी ना कर सकी और तूने मुझको भुला लिया, तो अल्लाह ने क्या करिश्मा दिखाया। तीसरे बंद में समाप्त करें। बीबी रुक रुक के कहने लगी बात ये, छूटने वाला है आपका साथ ये, जा रही हूँ मैं संसार को छोड़कर, सारे अपने परा ऐसे मुंह मोड़ कर, सारे अपने परा ऐसे मुंह मोड़ कर, मेरी बातों को गोसे जिगर से सुनो, मेरे मरने का हरगिज ना सदमा करो। देखिए फरीदा खानम फजलू से क्या फरमा रही है अपने हमराह से, हम सफर से, अपने पति से, गौर करेंगे। चांदनी को मेरी डांटना मत कभी, लाडली को मेरी मारना मत कभी, लाडली को मेरी मारना मत कभी, उसकी शादी की हसरत में लेकर चली, अपने हाथों से दुल्हन बना ना सकी, बस यही काम करना है अब आपको, यानी अंजाम देना है अब आपको, यानी अंजाम देना है अब आपको, हम सफर इसकी खातिर कोई ढूंढ कर, फिर बसा देना तुम इसके सपनों का घर, चांदनी जिस घड़ी मेरी दुल्हन बने, मेरी जानिब से भी प्यार करे ना उसे, मेरी जानिब से भी प्यार करे ना उसे, कब्र में मेरी रूह तब सुकून पाएगी, मेरी बेटी जब ससुराल को जाएगी, गम को सहते हुए फिर वो रुखसत हुई, इतना कहते हुए फिर वो रुखसत हुई के मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में जो थी वो खुशी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई, मेरे दिल में जो थी वो खुशी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई, मेरे दिल में जो थी वो खुशी रह गई। चांदनी की वालिदा गुजर जाती हैं तो बाप और बेटी की हालत क्या होती है। सामईन हजरात, चौथे बंद में समाप्त करें। बाप और बेटी रोने लगे इस कदर, उनके रोने से रोते थे दीवारों दर, हर तरफ गम की काली घटा छा गई, देख कर रूहे इंसान थर्रा गई, देख कर रूहे इंसान थर्रा गई,
अलगरस धीरे धीरे मिटा सारा गम, बाप और बेटी का गम हुआ थोड़ा कम। बाप दिन रात चक्कर लगाता रहा, अपनी मेहनत से पैसा कमाता रहा, अपनी मेहनत से पैसा कमाता रहा। बात रिश्ते की करता था वो जिस जगह, एक उलझन खड़ी होती थी उस जगह। लड़के वालों की थी मांग काफी बड़ी, दे न पाएगा ये बेच करे झोपड़ी, दे न पाएगा ये बेच करे झोपड़ी। कोई कहता था बस कार ही दीजिए, एक हीरा जड़ा हार ही दीजिए। कोई कहता था एक लाख दे दीजिए, कोई कहता था दस लाख दे दीजिए, कोई कहता था दस लाख दे दीजिए। लड़के वालों की कीमत बढ़ी देख कर फजलू रोता था बस थाम करके जिगर। मुफलिसी का सितम दिल पे सहने लगा, रो के अल्लाह से फिर वो कहने लगा के मेरे गुलशन, मेरे गुलशन, मेरे गुलशन की नाजुक कली रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। मेरे गुलशन की नाजुक कली रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। मेरे गुलशन की नाजुक कली रह गई। मेरे गुलशन की नाजुक कली रह गई, फजलू अल्लाह से क्या कह रहा है। और जब वक्त गुजरने लगा तो देखिए लड़की का जिक्र घर घर होने लगा। क्या समाप्त करें पांचवें बंद में सामीन हजरात। वक्त रफ्तार से फिर गुजरने लगा, जा बजा हुस्न का जिक्र चलने लगा। चांदनी भी तो थी चांदनी की तरह, पुरकशिश थी वो एक रोशनी की तरह, पुरकशिश थी वो एक रोशनी की तरह। जुल्फ जैसे थी साबन की काली घटा, उस पे चेहरा था गुल की तरह पुरजया। होंठ थे फूल की पंखुड़ी की तरह, उसकी आवाज थी बांसुरी की तरह, उसकी आवाज थी बांसुरी की तरह। जब कभी झूम कर मुस्कुराती थी वो, दिल पे हर एक के बिजली गिराती थी वो। दोनों आंखों में था प्यार का एक नशा, मैं से जैसे सजा हो कोई मैं कदा, मैं से जैसे सजा हो कोई मैं कदा। भोली भाली थी वो इस कदर नाजनी, गांव की लड़कियों में थी वो एक हंसी। जब ख्यालों में गुम अपने होती थी वो, बस यही सोच कर खूब रोती थी वो, के संग 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 मेरे एक बेबसी रह गई, एक अभागन
की डोली सजी रह गई, संग संग मेरे एक बेबसी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई, संग संग मेरे एक बेबसी रह गई। चांदनी फरमाती है कि संग संग मेरे एक बेबसी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई। तो गौर करेंगे सामीन हजरात, फिर क्या होता है और क्या माजरा होता है, गौर करें। बाप मजदूर था काम उसका सुनो, बाप मजदूर था काम उसका सुनो, कब्र वो खोदता था मेरे दोस्तों, कब्र दो चार हर रोज मिलती रही, जिंदगी बाप बेटी की कटती रही, जिंदगी बाप बेटी की कटती रही। किस तरह वो दोनों बाप बेटी जिंदगी बसर करती है, सामी नजरात गौर करें। एक लड़का कहीं से उधर आ गया, घूमते घूमते उसके घर आ गया, चांदनी पर पड़ी उसकी जिस दम नजर, उस पे शैदा हुआ एक नजर देख कर, उस पे शैदा हुआ एक नजर देख कर। पैसे वालों का लड़का वो था नौजवान, इसके आगे की सुनिए जरा दास्तां, बाप से जाके कहने लगा प्यार से, शादी कर दो मेरी एक गुलनार से, शादी कर दो मेरी एक गुलनार से। सुनते ही इस बात को चांद के वालिद बहुत खुश हुए, चूंकि हर जगह 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 उसकी शादी की बात करते हैं वो, लेकिन वो हर जगह इनकार कर जाते हैं। तो इस बात से खुश होकर चांद के वालिद ने कहा कि ठीक है बेटा। तो फिर चांद ने क्या फरमाया, सामईन हजरात गौर करें। देख आया हूँ मैं, है वो एक मैं जबी, वो तो लाखों हसीनों में है एक हसी, बाप ने फिर कहा मेरे लखते जिगर, जा रहा हूँ अभी सुन ले नूरे नजर, जा रहा हूँ अभी सुन ले नूरे नजर, बात पक्की करूँगा अभी जाके मैं, तय ये शादी करूँगा अभी जाके मैं, तेरी बातों से इनकार मुझको नहीं, तेरी शादी थी करनी कहीं ना कहीं के, ये खुशी दिल, ये खुशी दिल, ये खुशी दिल की दिल में बसी रह गई, एक अभागन की टोली सजी रह गई, ये खुशी दिल की दिल में बसी रह गई, एक अभागन की टोली सजी रह गई, ये खुशी दिल की दिल में बसी रह गई। सामईन हजरात आगे क्या हुआ,
चांद के वालिद आकर चांदनी के वालिद से मिलते हैं और वो आकर क्या इल्तिजा करते हैं, समाप्त करें सातवें बंद में। लड़के का बाप आकर मिला बाप से, इल्तिजा है यही एक मेरी आप से। मेरे घर चांद है जगमगाता हुआ, रात दिन हर घड़ी मुस्कुराता हुआ, रात दिन हर घड़ी मुस्कुराता हुआ, रात दिन हर घड़ी मुस्कुराता हुआ। आपकी चांदनी अब मैं ले जाऊंगा, लेके बारात घर आपके आऊंगा। अब ये रिश्ते को मंजूर कर लीजिए, चंद दिन आप शादी का चुन लीजिए, चंद दिन आप शादी का चुन लीजिए, चंद दिन आप शादी का चुन लीजिए। चांद के वालिद एक दौलतमंद थे, उन्होंने कहा कि चंद दिन आप शादी का चुन लीजिए। फजलू एक गरीब इंसान कब्र खोदने वाला था, उसने क्या कहा, गौर करें सामीन हजरात। आज जी से ये बोले है फजलू मियां, फर्क है आपके और मेरे दरमियां। मैं गरीब आदमी एक ही मजदूर हूँ, बाप लड़की का हूँ और मजबूर हूँ, बाप लड़की का हूँ और मजबूर हूँ, बाप लड़की का हूँ और मजबूर हूँ। फिर फजलू साहब गरीबी को अपने देखते हुए क्या फरमाते हैं चांद के वाली से, गौर करें। आप हैं भाई साहब बड़े आदमी, आप हैं भाई साहब बड़े आदमी, देखने ही से लगते हैं बिल्कुल धनी। दे सकूंगा ना मांगोगे कोई रकम, आपको है मेरी गुर्बती की कसम, आपको है मेरी गुर्बती की कसम, आपको है मेरी गुर्बती की कसम। चांद का बाप बोला बड़े प्यार से, चांद का बाप बोला बड़े प्यार से, प्यार हमको नहीं धन के अंबार से, प्यार हमको नहीं धन के अंबार से। सिर्फ दस आदमी लेके आऊंगा मैं, जो खिलाओगे वो हंस के खाऊंगा मैं, तो मुस्कुराहट 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 लबों पर सजी रह गई एक अभागन की डोली, सजी रह गई मुस्कुराहट लबों पर सजी रह गई एक अभागन की डोली, सजी रह गई मुस्कुराहट लबों पर सजी रह गई। जब चांद के वालिद कहते हैं कि सिर्फ दस आदमी लेके आऊंगा मैं, जो खिलाओगे वो हंस के खाऊंगा मैं, तो देखिए उन दोनों घर में रिश्ता कायम होता है और लड़की के वालिद चांदनी के वालिद क्या फरमाते हैं, गौर करेंगे। बात पक्की हुई बात ही बात में, बात पक्की हुई बात ही बात में,
तय ये रिश्ता हुआ एक मुलाकात में, तय ये रिश्ता हुआ एक मुलाकात में। बोला फजलू के हंसते हुए जाइए, सिर्फ 10 दिन का मौका हमें चाहिए, सिर्फ 10 दिन का मौका हमें चाहिए, सिर्फ 10 दिन का मौका हमें चाहिए। चांद का बाप बोला के मंजूर है, चांद का बाप बोला के मंजूर है, सिर्फ 10 दिन का दिन ये कहीं दूर है। दोनों घर में नई एक खुशी छा गई, वक्त गिनने लगे बेकली छा गई, वक्त गिनने लगे बेकली छा गई, वक्त गिनने लगे बेकली छा गई। चांदनी भी मुशर्रत से खिलती रही, चांदनी भी मुशर्रत से खिलती रही, अपने सखियों के संग मुस्कुराती रही। क्यों चांदनी मुस्कुराती है जनाबे सामीन हजरात, गौर करेंगे किसी बदनसीब की डोली जब एक धनवान के घर जाने के लिए तैयार होती है, यानी उसके रिश्ते की बात होती है, उसकी शादी की बात होती है, तो अपरूपी दिल में एक खुशी सी छा जाती है, और आगे क्या होता है गौर करें। चांदनी भी मुशर्रत से खिलती रही, अपनी सखियों के संग मुस्कुराती रही। 3 दिन रह गई जब खुशी की घड़ी, बढ़ गई और फजलों की तब बेकली, बढ़ गई और फजलों की तब बेकली, बढ़ गई और फजलों की तब बेकली। 7 दिन से न कोई मरा आदमी, 7 दिन से न कोई मरा आदमी, उसको मजदूरी अब तक न कोई मिली, उसको मजदूरी अब तक न कोई मिली। देखिए फजलू एक गरीब इंसान है और वो कब्र खोदता है, और पहले के ज़माने में 100 रुपये की बहुत अहमियत हुआ करती थी जनाब सामीन हज़रात। वो ये सोचा कि 10 दिन में 10 आदमी मरेंगे और हमारी बेटी विदा हो जाएगी, लेकिन 7 दिन गुजरने के बाद देखिए वो मालिक मुख्तार से क्या इल्तिजा कर रहा है, गौर करें। 7 दिन से ना कोई मरा आदमी, उसको मजदूरी अब तक न कोई मिली, बोला अल्लाह से रख ले तू आबरू, सिर्फ 10 आदमी को फना कर दे तू, सिर्फ 10 आदमी को फना कर दे तू, सिर्फ 10 आदमी को फना कर दे तू। कब्र तब खोदने को मिलेगी खुदा, कब्र तब खोदने को मिलेगी खुदा, मेरी बेटी की डोली उठेगी खुदा, मेरी बेटी की डोली उठेगी खुदा। कहर टूटा खुदा का जो एक रात में, 10 मरे आदमी एक ही साथ में, 10 मरे आदमी एक ही साथ में, 10 मरे आदमी एक ही साथ में। बारी बारी सभी को वो दफना दिया, बारी बारी सभी को वो दफना दिया, आया 10वां जो नंबर तो उसने कहा, आया 10वां जो नंबर तो उसने कहा। देखिए वो उन लोगों से कह रहा है जो इस
हादसे के शिकार हैं। एक कोहराम गांव में मचा और 10 आदमी मर गए। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन रात भर वो दफनाता रहा खुशी के मारे। जब आखिरी नंबर आता है, यानी कि 9 को दफनाने के बाद 10वां जब नंबर आता है, तो वो क्या फरमाता है फजलू गरीब इंसान? गौर करें सामईन हज़रात। आने वाली है बारात घर में मेरे, कम से कम इसकी सूरत दिखा दो हमें, कम से कम इसकी सूरत दिखा दो हमें, कम से कम इसकी सूरत दिखा दो हमें। देख कर उसकी सूरत वो रोने लगा, देख कर उसकी सूरत वो रोने लगा, पीट कर अपना सीना वो कहने लगा, पीट कर अपना सीना वो कहने लगा। ये तो यार अब वही मेरा दामाद है, चांदनी का ए बेदम यही चांद है के मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी की मेहंदी रची रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई, मेरी बेटी की डोली सजी रह गई, एक अभागन की डोली सजी रह गई, मेरी बेटी की मेहंदी रची रह गई, एक अभागन की डोली सजी 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 रह गई। मुफलिस को सच है ध्यान में लाता नहीं कोई, बेजर को अपने पास बिठाता नहीं कोई, बेआबू आईने को उठाता नहीं कोई, गिरते हुओं से आँख मिलाता नहीं कोई। रहने दिया क्या करूं अपनों से मैंने, क्या करूं अपनों से मैंने, शिकवा गिला रहने दिया क्या करूं अपनों से मैंने, शिकवा गिला रहने दिया। हादसों ने मुझ में इतना
बच गया मैं दुश्मनों से, बात बस इतनी सी थी। बच गया मैं दुश्मनों से, बात बस इतनी सी थी। दोस्तों का अपने सारा, दोस्तों का अपने सारा मशवरा रहने दिया। दोस्तों का अपने सारा मशवरा रहने दिया। हादसों ने मुझ में इतना पर, रात भर दे लीज पर जलता दिया रहने दिया। रात भर दे लीज पर जलता दिया रहने दिया। हादसों ने मुझ में इतना मेरा खालिक है वो। जानता हूँ वो मेरा मालिक, मेरा खालिक है वो। इसलिए उस पर ही हमने, इसलिए उस पर ही हमने फैसला रहने दिया। इसलिए उस पर ही हमने फैसला रहने दिया। हादसों ने मुझ में इतना मोहब्बत
पढ़ लिया राज़े मोहब्बत, खत खुला रहने दिया, पढ़ लिया राज़े मोहब्बत, खत खुला रहने दिया, हादसों ने मुझे में इतना हौसला रहने दिया, क्या करूं अपनों से मैंने शिकवा गिला रहने